गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक निकलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद के अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में की बैठक। कहा, शोभा यात्रा को सफल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस के साथ बाहरी पुलिस कर्मियों की भी लगाई गई है ड्यूटी। पूरे क्षेत्र को बांटा गया है सेक्टर व जोन में, परिंदा भी नहीं मार पाएगा। पर सीएम योगी ने की अष्टमी तिथि पर मां जगत जननी के अष्टम स्वरूप माता महागौरी तथा सायंकाल सत्र में नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से की आराधना। समस्त देशवासियों के जीवन में सुख शांति आरोग्य व समृद्धि की मंगल कामना। मातृशक्ति के पाव पखार सीएम योगी होंगे रथ पर सवार। गोरखनाथ मंदिर में नवमी की तिथि पर मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री करेंगे कन्या पूजन। दोपहर में होगा तिलकोत्सव। अपराह्न बेला में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकलेगी विजयदशमी की शोभा यात्रा। महानगर में नवरात्र, दशहरा एवं मूर्ति विसर्जन तथा मंगलवार को निकलने वाले मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा को देखते हुए महानगर में वाहनों का किया गया रूट डायवर्जन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, किसी भी असुविधा से बचने के लिए रूट डायवर्जन का करें पालन। स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया खुशी का इजहार। कहा, पावरफुल स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर भारत के लिए है एक बहुत बड़ी कामयाबी। ट्रैक्टर और ट्रॉली पर यात्रियों को बैठाकर चलना है प्रतिबंधित। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सघन चेकिंग अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही के लिए सभी थाना प्रभारियों को किया गया है निर्देशित। जनपद में जगह जगह पर पंडालों में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा, विधि विधान से की जा रही है श्रद्धालुओं के द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना। नवजात मासूम शिशुओं की जीवन रक्षार्थ आश्रय पालना स्थल का जिला महिला चिकित्सालय में सदर सांसद रवि किशन ने किया लोकार्पण। कहा, पालना स्थल में शिशु का किया जा सकता है सुरक्षित परित्याग, पहचान भी पूर्ण रूप से रखी जाएगी गुप्त, पुलिस में भी नहीं की जाएगी FIR दर्ज। गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गब्बर कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सड़क हादसे और जाम से निजात पाने के लिए यूपी पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच MOU हुआ है हस्ताक्षरित। SP ट्रैफिक ने कहा, मैपल ऐप से आमजन को जुलूस, विरोध रैली, VIP मूवमेंट्स, सड़क बंद, रूट डायवर्जन तथा सड़क सुरक्षा जैसी मिल सकेगी जानकारी। पांच शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 गैस सिलेंडर, 1 सफेद धातु की पायल, बेचे हुए सामान से प्राप्त 1,120 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी गोरक्ष प्रांत की प्रांत संयोजिका रानी शाहनी के नेतृत्व में दुर्गा सप्तशती पाठ एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कहा, मात्र शक्तियों के साथ शस्त्र पूजन कर आराध्य शक्ति स्वरूपा मां को किया गया याद। और शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन भी गोलघर काली मंदिर पर मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से लाइन में लगकर मां की पूजा अर्चना, परिवार के सुख समृद्धि की कामना।